नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 24 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि सात बज करके चौंतीस मिनट तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है मघा नक्षत्र है विश्वकुंभ योग कौलवकरण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज सिंह राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के सैंतीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के उन्नीस मिनट तक का होगा तो वहीं काल प्रातः साढ़े दस बजे से दोपहर बारह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली में जहां राजयोग होते हैं वहीं कुछ दुखदायक योग भी होते हैं परेशानियों को देने वाले भी योग होते हैं आज मैं छह ऐसे योगों की चर्चा करने वाला हूं जो आपकी जन्म कुंडली में हो तो फिर ये चिंता का विषय है तो दिव्य महाप्रयोग जानकारी वाला है इसे अवश्य ही समझ लीजिए अच्छी बातें सुनते हैं इसको भी समझना होगा यह भी योग है तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा सिंह राशि में मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं शनि और शुक्र युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में जारी है तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में आज गज केसरी योग का निर्माण है देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आज ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा देवगुरु के सम्मुख होकर क्या कुछ विशेष आपको लाभ देंगे शुक्रवार का दिन है कौन सा वो कार्य है जिन्हें आज, आज आप अवश्य पूरा करिए और कौन सा वो कार्य है जिन्हें करने से आज आप बचिए और कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप तो आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज रात्रि ठीक आठ बजकर के दस मिनट पर मैं लाइव रहूंगा यह मंगलवार के दिन कार्यक्रम प्रसारित होता है लेकिन अपरिहार्य कारणों के कारण मंगलवार के दिन यह लाइव कार्यक्रम प्रदर्शित नहीं हो सका था तो आज यह कार्यक्रम लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा ठीक रात्रि आठ बज करके दस मिनट पर आपकी जन्म कुंडली का जहां पर मैं अध्ययन करूंगा तो आप भी तैयार रहिए और लाइव अवश्य ही उपस्थित रहिए आप भी चलते हैं योगों की ओर सबसे पहला योग कहता है लग्न में अगर पापक ग्रह स्थित हो ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को कहा कि लग्न में यदि पापक ग्रह स्थित हो तो हो सकता है जातक निर्धन ना हो धनवान हो तब भी कहीं ना कहीं वो दुखी रहेगा सवाल उठता है कि लग्न में पापक ग्रह कोई भी हो चाहे वो लग्ने से स्वयं हो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में कुछ परेशानी तो बनी ही रहेगी दूसरा सूत्र कहा कि चतुर्थ भाव में पापक ग्रह हो और कमजोर गुरु द्वितीय भाव में हो तो भी जातक के जीवन में दुख या परेशानी बनी ही रहेगी तीसरे सूत्र में कहा कि जन्मांक में यदि चतुर्थेश नीच राशिस्थ हो और नौमांस में वो शत्रु राशि में हो जन्मांक में वो नीच राशि में हो और नौमांस में नीच का हो गया तब तो कहना ही नहीं शत्रु राशि में हो तो ऐसा जातक धनवान भी हो तब भी उसके जीवन में सुख की कमी सदैव बनी रहेगी इस सूत्र को समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चौथा भाव ही सुख का भाव है चौथा सूत्र कहता है कि अष्टमेश यदि एकादश भाव में हो तो बाल्यकाल कष्टमय होता है हालांकि बात का जीवन सुखमय होता है लेकिन अष्टमेश के एकादश में होने से बाल्यकाल बहुत कष्ट में गुजरता है पांचवा सूत्र है कि चंद्रमा मंगल से युक्त हो चंद्र मंगल योग दसम भाव पीड़ित हो दसम भाव पीड़ित कैसे होगा पाप पापकर्तर योग में आ जाए दसमेश नीच राशि में चले जाए दसम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तब और कहा लग्नेश बारहवें में हो तो भी जातक जीवन भर दुखी रहता है इस सूत्र को जरा ध्यान से सुनिएगा चंद्रमंगल की चर्चा क्यों की सीधी सी बात है चंद्रमंगल की चर्चा यहां इसलिए हुआ है कि चंद्र कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ लग्न में हो जाएंगे तो मन के कारक के साथ जब मंगल होंगे तो सीधी सी बात है धैर्य की कमी हो जाएगी हम सबके जीवन में हमारी समस्याओं के पीछे एकमात्र ग्रह मन ही तो एक ही चीज मन ही तो काम कर रहा है वो मंगल के साथ होगा तो वैसे ही मन में धैर्य की कमी होगी दसम भाव पीड़ित होने से कार्य क्षेत्र में परेशानी हो गई लग्नेश बारहवें होने से अवयोग हुआ जीवन काल में जातक को कार्यक्षेत्र में परेशानी होने लगी यह अलग बात है कि मकर लग्न या मकर लग्न की कुंडली हो कुंभ लग्न की कुंडली हो तो मकर राशि में शनिदेव स्वगृह ही होंगे लेकिन तब भी यह सूत्र वहां घटित होगा और परेशानी जीवन काल में होगी जातक के जीवन काल में कष्ट होगा और छठा सूत्र कहता है कि लग्न में शनिदेव हो अष्टम में राहु हो और में मंगल हो तब भी जातक का जीवन कष्टमय होता है प्रिय दर्शकों इन सूत्रों पर एक बार और मंथन कर लीजिए और समझ लीजिए इन सूत्रों में कहीं ये नहीं कहा कि जातक निर्धन होगा धन से इस सूत्र का कोई लेना देना नहीं है यह सुख और दुख की चर्चा है आप धनी हो सकते हैं धनवान व्यक्ति भी अपने जीवन में दुखी देखे जा सकते हैं तो यह सूत्र असल में दुखमय स्थिति को दर्शा रहा है न कि आपके धन से इसका कोई लेना देना है इस सूत्र ने कहीं नहीं ये कहा है कि ऐसा व्यक्ति धनहीन होगा ऐसा व्यक्ति दुखी होगा कारण कोई भी हो चलते हैं अब राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज का दिन मेष राशि के जातकों की संतान की ओर से खुशखबरी लेकर के आ रहा है संतान को मिलने वाली कोई बड़ी सफलता संतान की सफलता या संतान को लाभ या आपको लाभ के कुछ नए स्रोत प्राप्त होने वाले हैं कहीं निवेश इत्यादि किया था वहां से लाभ होने वाले हैं भाग्य का जैसे उदय हो रहा है और भाग्य आज आपके साथ है गजकेसरी योग का निर्माण जन्म कुंडली में प्रश्न गोचर कुंडली में आज के लिए आज आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है हर संभव कोशिश आज आपको करनी है और हर संभव कोशिश का जो परिणाम निकल करके आएगा वो बेहद आपके पक्ष में श्रेष्ठ आएगा कार्यस्थल पर भी देखें तो बेहद सुखद वातावरण रहने वाला है साथ जो आपके काम करने वाले लोग हैं वह उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और साझेदारी में आप काम करते हैं तो वहां भी बड़ा फायदा मिलेगा जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए वाणी पर नियंत्रण रखना होगा प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है या यूं कहें कि प्रेमी के दिल की बात हर बात बिना कहे आप समझ लेंगे दांपत्य जीवन भी सुखद प्रतीत हो रहा है मधुरता बनी रहेगी और विद्यार्थियों को अद्भुत सफलता वाला है दिन प्रतियोगी परीक्षा में जबरदस्त सफलता मिलेगी मेहनत करते रहिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो कोई देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज कोई भी पांच प्रकार का फल जाकर के शिव मंदिर में दान करिए लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है निवेश इत्यादि करते हैं तो करें वृषभ के जातक आज सबको प्रभावित करेंगे आज आपका व्यक्तित्व तो बेहद आकर्षक और प्रभावशाली वाला हो गया है यानी आपके संपर्क में जो आएगा आपसे प्रभावित होगा धन को लेकर के चिंता थी या विचार मन में लगातार थे तो दिन अच्छा है इससे संबंधित समस्या दूर होगी परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं जा सकते हैं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है जरूरत हो तो अपने मन की बात कह भी सकते हैं किसी से शेयर भी कर सकते हैं तो अपनी मन की कोई बात किसी से कहनी है तो कहिए व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी कोई कानूनी अड़चन थी उसका निपटारा होगा व्यापार में आज जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है सो जीवन साथी से विचार विमर्श राय मशवरा करिए उनकी सलाह को मानिए और पारिवारिक जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय जीवन साथी का आज ख्याल रखिएगा उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करिएगा हर दिन करना चाहिए लव लाइफ में अगर देखा जाए तो मामूली कुछ उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा हालांकि अपने आप को लगा लेंगे आज पढ़ाई से ज्यादा कई तरह की चीजों में आपका समय जाने वाला है जैसे इंटरनेट इत्यादि पर बैठ करके अपना समय आज बर्बाद कर सकते हैं किसी बड़े रोग से पूर्व से ग्रसित हैं तो आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा आज कोई भी सफेद पुष्प ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए अगर आप वृषभ राशि के हैं विशेषकर स्वास्थ्य में परेशानी है तो जरूर ही करिए लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज सफेद है निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से कीजिएगा और मिथुन की बात करें तो तीसरे का चंद्रमा गोचर कुंडली में आज आपसे पूरी तरह से मेहनत करवाएगा और मेहनत का पूरा पूरा लाभ दिलवाएगा किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या आज दूर होगी या यूं कहें कि समस्या को आप खत्म कर लेंगे बड़ा फायदा मिलने वाला है सोचा हुआ काम वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है नई नौकरी का प्रयत्न कर रहे थे तो नौकरी आपको मिलने वाली है नौकरी में प्रमोशन के योग है या यूं समझ लीजिए अच्छे ऑफर आपको मिलते दिखाई पड़ रहे हैं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी मसले हैं या उनसे संबंधित कोई समस्या थी उसका निपटारा होगा बिना सोचे समझे बोलने से बचना है अपनी बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है और प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो सकता है इसकी जानकारी आपको पहले से है तो जरा सतर्क रहिएगा हालांकि दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन सफलता आपको मिलेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है कहीं कोई दिक्कत नहीं है आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूरबा अर्पित करिए इससे लाभ रहेगा लकी अंक नौ लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है निवेश आप कर सकते हैं कर्क राशि के जातकों की परिस्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में है यूं समझ लीजिए कि दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि वक्त आपका समर्थन कर रहा है जो करने की सोच रहे हैं वो कर डालिए आज का काम आज ही करना है कल पर नहीं टालना क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में है इसका लाभ उठाइए या यूं समझ लीजिए कि लाभ उठाना होगा कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है और आपके विनम्रता से आपके सहयोगपूर्ण रवैये से आपके व्यवहार से आपको लाभ मिलेगा अधिकारी आज आपसे प्रभावित रहेंगे वाणी पर नियंत्रण जरूरी है हालांकि आप नियंत्रण रख करके अपने सभी काम कर करा सकते हैं व्यापारियों की बात करूं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करेगा और कोई नई योजना आपके दिमाग में है तो उस पर काम शुरू कर दीजिए धनलाभ के आसार साफ साफ बनते दिखाई पड़ रहे हैं किसी से कोई बात कहनी है तो पहले व्यक्ति की पात्रता देख लीजिए सोच समझ करके ही अपने मन की बात हर किसी से शेयर करिए लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा जरूरत पड़ने पर पैसा भी मिलेगा दिन आज आपका बहुत बढ़िया है प्रेमियों के लिए अगर देखें तो दिन ठीक और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत रह, अच्छा रहने वाला है दिन करियर में आज आप ऊंचाई पर आज कर्क राशि के जातक धन संबंधी मामलों में पूरी तरह से निश्चिंत रहे और विद्यार्थी पूरी तरह से प्रयत्नशील रहे क्योंकि करियर में गजब का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य के मामले में भी आज आपको सावधान रहना है क्योंकि पुराना रोग परेशान कर सकता है आज पंचाक्षर स्त्रोत्र का पाठ या श्रवण करके लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा और सिंह राशि के जातक आगे बढ़ते चले जाए केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन आप आगे कदम बढ़ाइए सफलता आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे आ रही है आपको सफलता मिलने वाली है कोई रोक नहीं सकेगा नौकरी में सब कुछ बढ़िया करियर को लेकर के सकारात्मक विचार शुरू कर दीजिए नए रास्तों की तलाश शुरू कर दीजिए व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आज मिल सकता है आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ बना हुआ है आज सिंहराशि के जातक जल्दबाजी ना करें जिद ना करें उतावलेपन से बचें इन्हीं चीजों से आपको नुकसान होगा अपने प्रेमी को समय दीजिए उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन दाम्पत्य जीवन भी सुखद और आज विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन कोई नया साथी आपका बनेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा खान पान पर विशेष आज ख्याल रखिएगा और आज वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहेगा और ठंडे पेय पदार्थों से बचिएगा लकी अंक आपके लिए आज सात है लकी कलर आपके लिए आज पिंक निवेश आप करें और कन्या राशि के जातक भली भांति सोच करके ही कदम आगे बढ़ाएं वैसे तो बुलंदी के मामले में दिन कहीं से कोई बड़ी समस्या लेकर के नहीं आ रहा है बल्कि कोई समस्या है कोई उलझन है वो सुलझने वाली है कार्यस्थल पर भी आपको मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा पर छोटी मोटी रुकावटें आज आएंगी विघ्न बाधाएं हाँ, निरंतर आते रहने वाली हैं उनका आप आसानी से सामना कर लेंगे पर फिर भी चिंता तो है आने वाले दिनों को बेहतर बनाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है बस अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही न करें यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है छोटी मोटी यात्रा अगर कहीं करनी है तो कर लीजिए आप कोई बड़ी यात्रा भी है तो कर सकते हैं किसी को उधार नहीं देना प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है परंतु प्रेमी की बात पर शक नहीं करना है प्रेमी की बात को मानिए जीवन साथी से सहयोग मिलेगा प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों को कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ परिणाम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं और विद्यार्थियों को आज दोस्तों से विशेष लाभ मिलेगा तो दोस्तों से मदद मिल रही तो ले लीजिए स्वास्थ्य के मामले में आज जोड़ों में दर्द से आप परेशान होंगे आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और बेसन का लड्डू हनुमान जी को अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए आज सात और लकी कलर ब्राउन है निवेश जानकार किराए से करें तो अच्छा रहेगा तुला राशि के जातक भरपूर आनंद लें इस दिन का दिन का पूर्वार्ध या उत्तरार्ध दोनों ही आपके लिए लाभदायक लाभदायक बना हुआ है कार्य वक्त पर होते चले जाएंगे और वहीं कोई, -कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज आप करिए किसी की मित्र की मदद से आपके करियर में बड़ा ग्रोथ होता दिखाई पड़ रहा है समस्या का सही समाधान मिलेगा नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जा सकते हैं आपको सफलता मिलेगी और व्यापारियों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ बना हुआ है व्यापार में सफलता मिलेगी इनकम में वृद्धि होगी तो वहीं पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी वो आसानी से हल हो जाएगी बाहर के भोजन से बस आज आप बच जाइए दाम्पत्य जीवन आज आपका पूरी तरह से सुखमत सुखमय है सुखद है और संबंध भी मधुर रहेगा प्रेम संबंध की बात करें तो जरूर थोड़ी तनातनी है किसी बात को लेकर के किसी पुरानी बात को लेकर के बेवजह की बात को लेकर के वजह उत्पन्न हो जाएगा और मतभेद आप लोग करेंगे विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान से परेशानी होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण तो सुधार है स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं आज अपने जीवन साथी का सहयोग करें उन्हें कुछ उपहार दें वो खुश तो सब कुछ ठीक लकी अंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज कथई है निवेश अवश्य करिए वृश्चिक राशि के जातक भी आज सफल दिखाई पड़ रहे हैं फायदे वाला है दिन आय में वृद्धि की स्थिति बनी हुई है और सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं नौकरी व्यापार परिवार हर मामले में आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा अपने लिए कोई अचल संपत्ति जो बहुत दिनों से आप तलाश रहे थे तो समझ लीजिए ऐसी तलाश पूर्ण होने वाली है गोचर कुंडली में बनने वाला ये गजकेश्वरी योग आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाला है कार्यस्थल पर भी अधिकारी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहेंगे तो वहीं कोई अतिरिक्त लाभ का रास्ता भी आपके लिए बनने वाला है व्यापारियों के लिए भी अगर आज के दिन को मैं कहूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है पैसों से संबंधित अगर कोई मसला था कोई मामला था कोई उलझन थी कोई समस्या थी समझ लीजिए उसे सुलझने ही वाला है वो वो सुलझेगा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो आपको लाभ मिलने वाला है कोई गैर कानूनी काम भूल कर भी वृश्चिक राशि के जातक ना करें जीवन साथी से वाद विवाद ना करें अगर करते हैं तो घर का माहौल खराब होगा आपको मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा होगा प्रेमियों को भी जरा सतर्क रहना होगा और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है पर फिर भी घर में अगर बुजुर्ग माता पिता जिसमें मां के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखिएगा आज सभी वृश्चिक राशि के जातक पक्षियों को दाना डालें लकी अंक तीन लकी कलर हरा निवेश करें और धनुराश के जातकों का भाग्य आपके साथ आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है धन लाभ का नया जरिया आपको प्राप्त होगा पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो काम बनने वाला है आपको सफलता मिलेगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आज जल्दबाजी में कोई काम न करें अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें व्यापारियों की बात करें तो बहुत बढ़िया चलने वाला है व्यापार धन लाभ के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर आज धनु राशि के जातक किसी पर भी किसी भी तरह का क्रोध न करें क्रोध से आपको नुकसान होगा दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी प्रेम संबंध में मजबूती आने वाली है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनुराशि के जातकों को सफलता मिलने वाली है हालाँकि कुछ शारीरिक परेशानियां भी रहेंगी स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा सावधान रहिएगा खान पान पर ध्यान रखिएगा और पेट से संबंधित परेशानी भी संभव है औषधि का दान आज आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा गोचर कुंडली में जो गजकेश्वरी योग है इससे लाभ लेना है तो औषधि का दान करिए किसी जरूरतमंद को लकी अंक आपके लिए आज छह लकी कलर है, आपके लिए आज सफेद है निवेश अवश्य करें मकर राशि के जातक अपनी दिनचर्या को जरा नियंत्रण में रखें जरूरत पड़ने पर बदलाव की कोशिश करें अच्छा लगे तो परिवार के साथ ही रहें परिवार के साथ जितना समय बीतेगा आपके लिए अच्छा होगा कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो बहुत ज्यादा ईमानदार रहें और संयम के साथ काम करें संयम से काम लें एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ लगाएं स्थिति बहुत ज्यादा आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही है कोई स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो जल्दबाजी ना करें व्यापारी वर्ग भी आज थोड़े चिंतित परेशान होंगे दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो जरा भी रुकिए बिना सोचे समझे हर किसी से वादा करना हर किसी से मन की बात कहना आपके हित में नहीं है जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा मदद मिल जाएगी दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है लेकिन प्रेम संबंध ठीक नहीं है थोड़ी नोकझोक होने वाली है विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत से ज्यादा बढ़िया आपका मित्र कोई नहीं वैसे हमेशा ही विद्यार्थियों का मित्र जो है मेहनत ही है तो मेहनत करिए हालांकि रिजल्ट जो मिलेगा वो आप बहुत संतुष्ट से नहीं होंगे कम ही होगा लेकिन मेरी राय है कि मेहनत कर रहे हैं सब ठीक होगा स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी कमर से नीचे के भागों में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए और आज मां का आशीर्वाद आपके लिए काम आने वाला है तो माता का आशीर्वाद लेकर के माता पिता दोनों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए लकी अंक आपके लिए आज आठ है लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला निवेश से बचिए और कुंभ राशि के जातक योजनाबद्ध ढंग से काम करें कार्यों की लिस्ट बना करके तब काम करें और कैसे काम करें तो जीवन साथी का सहयोग लेते हुए काम करें आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं कि वक्त पर ही पूर्ण होंगे पर थोड़ी चिंता रहेगी परेशानी रहेगी पैसों के मामले में भी कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से जांच लें भाग्य का साथ कम मिलेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता कार्यस्थल पर भी आज काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है मैं ऐसा नहीं कह सकता व्यापार में सामान्य स्थिति ही आपके लिए दिखाई पड़ रही है बल्कि कोई पूर्व से हुई डील या जिस पर बातचीत हो ऐसी कोई डील कैंसिल होने वाली है तो आज का दिन थोड़ा सा आपको दुखी करेगा ऋण से मुक्ति का मार्ग अवश्य आपको सूझेगा किसी से कोई बड़ा वादा लेकिन मत करिएगा जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है या यूं कहें कि प्रेमी से उपहार मिलने वाला है और विद्यार्थियों को खूब मेहनत करना चाहिए जितना हो सके विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत से जितना हो सके पीछे मत हटिए मेहनत करिए और आज हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिएगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है निवेश जानकार किराए से ही करें और मीन राशि के जातक भी आज कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें बल्कि ठंडे मन से शांत मन से एक बार विचार करें निर्णय लेने से पहले आपको विचार करना होगा हो सके तो अपने करीबी से अपने घर परिवार के सदस्यों से मित्र से खुलकर के बातचीत करनी है तब जाकर के निर्णय लेना है तनाव बनी रहेगी समस्या रहेगी समस्या से मुक्ति पाने का भी आपको लगातार प्रयत्न करना होगा सोचे हुए काम वक्त पर न पूर्ण हो पाने के कारण आज आप थोड़े चिंतित परेशान हो सकते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी लाभ उतना ही या कम ही नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो प्रयत्नशील रहिए परंतु सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है व्यापार में आज ऊपर नीचे की स्थिति बनी रहेगी सफलता कम मिलने वाली है कोई कानूनी अड़चन भी आएगी व्यापार को लेकर के यात्रा करना पड़ सकता है लेकिन यात्रा भी कष्टदायी रहेगी जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला आज मीन राशि के जातक ना करें जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पार्टनर का मिजाज भी कुछ आपके अनुकूल नहीं है चाहे यह प्रेमी हो या व्यापारिक पार्टनर हो विद्यार्थियों के लिए भी आज सहयोगात्मक नहीं रहने वाला है दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा आगे बढ़ने में बाधा आएगी और पूर्व से रक्त जन्य समस्या से ग्रसित हैं तो परेशानी बनी रहेगी बढ़ेगी आज मंदिर में अन्न का दान करिए लकी अंक लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश ना करें तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार